देखिए, आज के समय में BMW की कार का एक अलग ही भौकाल है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही BMW कभी कार बनाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि BMW को तो कार मजबूरी में बनानी पड़ी थी। अब सवाल आता है कि आखिर BMW के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे मजबूरी में कार बनानी पड़ी। दरअसल BMW एक जर्मन कंपनी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फाइटर जेट के इंजन बनाया करती थी, लेकिन 1918 में जर्मनी वर्ल्ड वॉर में हार गया। उसके बाद उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जिसमें उनके देश का कोई भी फाइटर प्लेन नहीं बना सकता था। तो इसके बाद BMW ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले पंप और ट्रैक्टर बनाने शुरू किए, जो लोगों को काफी पसंद आया। 1923 में कंपनी ने मोटरसाइकिल और उसके बाद कार बनाने की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने अपनी पहली कार BMW 3/15 को मार्केट में उतारा। BMW ने इतनी अच्छी कारें बनाई कि सबको बहुत पसंद आने लगी, जिसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज BMW का नाम लगभग हर बच्चा जानता है। आपकी फेवरेट कार कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।